Assalamualaikum students, this is Ms. Zareen from South Kent Education Services, Class 8, Subject Science. Today we will discuss the last topic of Chapter 3, Electronic Configuration. Electronic configuration based on Bohr's model. In atomic physics and quantum chemistry, the electronic configuration is the distribution of electrons of an atom or molecule or other physical structure in atomic or molecular orbitals. Electronic configuration basically the arrangement of electrons in energy levels around an atomic nucleus. So it is called electronic structure. What are energy levels? Energy levels are the orbits which that circular path around the nucleus. जो nucleus के surrounding में circular path होता है जिसमें electrons revolve कर रहे होते हैं वो energy levels कहलाते हैं. When atom reacts, it is actually the electrons that interact. जब भी कोई atoms react करते हैं तो जो सारा game होता है वो electrons का होता है. लॉस और गेन हो रहा होता है. एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है. फॉर दिस रीज़न द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. चूँकि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो ईजली लॉस हो जाते हैं, गेन हो जाते हैं, तो जो अरेंजमेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है, मतलब ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरेंजमेंट. तो जो स्ट्रक्चर होगा उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को जो है कि कहते हैं मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है. द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेफर्स नॉट ओनली टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम पजेस बट ऑल्सो देयर डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस. ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इससे एक तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता चलते हैं, दूसरी ये हमें पता चलता है कि कितने ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना जो है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है. एज आई सेड इन द प्रीवियस स्लाइड दैट एनर्जी लेवल्स आर द ऑर्बिट विच आर सराउंडेड इन द न्यूक्लियस. So, according to Bohr's theory, the electron move in a specific circular orbits around the nucleus, much like the Earth moves around the Sun. Do you know? Earth moves around the Sun in an orbit. ठीक है? That's like around the nucleus, electrons revolve in the orbit. These orbits are called energy levels or energy shells. And are designated as K, L, M, N, O, P, and so on. This is the method. This is the K, L, M, N method. Is based on electron shells, which the labels K, L, M, N, further O, P, being derived from an experiment. ये जो मेथड है ये एक एक्सपेरिमेंट से ड्राइव्ड किया है. अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है, इट इज़ द वेरी हाई लेवल केमिस्ट्री, तो हम एक्सपेरिमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे. हमने एक्सपेरिमेंट में से बस ये ले लिया कि ये मेथड होता है. ठीक है, अब इसमें क्या है, के डिनोट्स द फर्स्ट शेल और नंबर वन शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बिल्कुल पास्ट वाला जो शेल होता है नंबर वन शेल कहलाता है और वो के से डिनोट करते हैं फर्स्ट शेल. एल इज़ द सेकेंड शेल. न्यूक्लियस के न्यूक्लियस से जो दूसरा होता है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं. एक न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के बिल्कुल जो नियरेस्ट शेल है वो नंबर वन, फिर उसके बाद वाला टू, फिर थ्री, फिर फोर. फार्मूला फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल्स. रूल: The maximum number of electrons present in a particular shell is calculated by the formula 2n square, where n represents the shell number. For instance, K shell is the first shell. You can see in the diagram, K is the first shell, L is the second shell, M is the third shell, and N is the fourth shell.
एंड द के शेल होल्ड्स अप टू टू इलेक्ट्रॉन्स विच इज ड्राइव फ्रॉम फॉर्मूला. सिमिलरली एल शेल इज द सेकेंड शेल एंड इट कैन होल्ड अप टू 8 इलेक्ट्रॉन्स. इसी तरीके से एम शेल कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड एन शेल कंटेन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स. Now the electronic configuration based on Bohr's model. अभी मैंने आपको बताया कि electronic configuration क्या होती है. Arrangement of electrons in the orbit. ठीक है, कौन से orbit में कितने electrons fill होंगे. ठीक है, तो इसके लिए एक electronic configuration होती है और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन की है उन्होंने कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है उस फर्स्ट ऑर्बिट का जो नाम होता है वो होता है के, और के में जो है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट का जो नाम है वो है एल, और L में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. इसी तरीके से थर्ड ऑर्बिट का जो हमने नाम दिया है वो है M, और M में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. और जो फोर्थ ऑर्बिट है वो है N, और N में ऑलमोस्ट 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर की बात होगी. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर की बात होगी, एटॉमिक मास की बात नहीं होगी. ठीक है, तो हमने क्या किस चीज़ को कंसिडर करना? एटॉमिक नंबर को. तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक सिंबल हाइड्रोजन होता है, H होता है, कैपिटल H. एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है. ठीक है, एटॉमिक नंबर 1. तो इट मींस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने हो गए? 1. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए? 1. अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है के, उसमें ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मगर हाइड्रोजन के पास तो ऑलरेडी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट में. अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो किस तरीके से होगा कि देखें, यहाँ पर ये हो गया न्यूक्लियस. ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ये बात आप लोगों को पता है. ठीक है, न्यूक्लियस के बाद ऑर्बिट्स की बारी आती है, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट. ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट जिसका नाम क्या है? के ऑर्बिट. हाइड्रोजन के ऑर्बिट में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 है, तो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को शो कर देंगे. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, है ही एक इलेक्ट्रॉन इसके पास. तो हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो ये ही होगा. ठीक है, अच्छा, लेट सपोज अब अगर हम बात करें कार्बन की. ठीक है, तो कार्बन के पास में जो आपके पास एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6 है. इट मींस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के कितने हैं? 6 हैं. 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के हैं. कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसे होगी? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, सेकंड शेल जो कि है एल शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते. ठीक है, तो अब यहाँ देखें, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. टोटल में 6 में से 2 यहाँ फिल हो गए, कितने बच गए? 4 बच गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में आ जाएंगे. ठीक है, अगर हम इसको एटॉमिक फॉर्म स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो जनाब ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स मौजूद हैं और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं. ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट. ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में इसके पास कितने? 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया. ठीक है, के शेल है ये. सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा. ठीक है,
तो ये हाइड्रोजन का ऊपर हाइड्रोजन का समझाया था, ये मैंने कार्बन समझाया। इसी तरीके से जितने एलिमेंट्स हैं उनमें जो है कि कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स फेलिंग होगी कि फर्स्ट ऑर्बिट के, उसका नाम के है, के में कम से कम दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एल शेल है उसकी लिमिट 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, थर्ड शेल है उसकी लिमिट 18 इलेक्ट्रॉन्स की है, इसी तरीके से जो एन शेल है उसकी लिमिट 32 इलेक्ट्रॉन्स की है, जो कि फोर्थ शेल कहलाता है, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी प्रेजेंट इन एनी शेल ऑफ एन एटम इज गिवन बाय द फॉर्मूला। अभी मैंने आपको बताया था कि के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एम में 18 आएंगे और एन में 32 आएंगे। तो ये कैसे मैंने निकाला, अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते कि फर्स्ट शेल में दो दे दें फिर 8 दे दें। तो इसका एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम ये ड्राइव करते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एंड द फार्मूला इज 2 मल्टीप्लाई बाय एन की पावर 2, ठीक है। 2 एन को मल्टीप्लाई, एन के ऊपर पावर है 2 और उसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेयर एन इज द नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट। एन क्या है, नंबर ऑफ शेल है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट को यहाँ प्लेस करेंगे, लेट सपोज 1 है, 2 है, 3 है, उसको पावर करेंगे, मतलब उसको उसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जैसे इन द के शेल 2 की पावर स्क्वायर, 2 इंटू एन पावर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 है के शेल, इट मीन्स के नंबर 1 शेल, फर्स्ट शेल आपने यहाँ 1 लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 की पावर 2, 1 की पावर स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 इंटू 1, ठीक है, तो आंसर आएगा 2। इसी तरीके से एल शेल देखिए, एल शेल का मतलब सेकेंड शेल, ठीक है, सेकेंड शेल मतलब नंबर 2, पुट कर दिया, 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4, एंड 2 4 जा 8। इसी तरीके से देखिए कि एम शेल, एम शेल मीन्स थर्ड शेल, तो यहाँ एन की जगह 3 प्लेस कर दिया, 3 स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9 के बराबर होता है, 2 और 2 9 जा 18। इसी तरीके से एन शेल मीन्स के फोर्थ शेल, वैल्यू प्लेस कर दी, 4 स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16 के बराबर होता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 32 आंसर आया, ठीक है। तो ये 2n की पावर स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल और ऑर्बिट, ठीक है। अब यहाँ एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम की एग्जांपल जो है सॉल्व की है। ये एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, कितना होता है, 13 होता है, इट मीन्स के एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकेंड ऑर्बिट में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 प्लस 2 कितने हो गए, 10 हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, रह गए 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 रह गए, तो एम ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। अब इसकी, इसका जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो देखिए कैसे है, ये है न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स शो हो रहे हैं, सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स शो हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, वो कहाँ जाएंगे, थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, तो जो रह गए हैं रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स वो थर्ड शेल में चले जाएंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से ये थर्ड ऑर्बिट होता चला जाएगा। पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है, ऑर्गन तक तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेम रहेगी, थर्ड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेम रहेगी। पोटेशियम और कैल्शियम में जब हम पहुंचेंगे, पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 19 और जो कैल्शियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 20, ठीक है। तो पोटेशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे वो हो जाएगी K2 L8 M
अब बाकी जो बचे हैं वो एम में जाने चाहिए ना, क्योंकि एम में तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और ये हो गए कितने, 8 और 2 10, 10 हो गए 19 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 9 इसमें आने चाहिए, जबकि इसमें 9 नहीं आते, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो रह जाता है वो एन में चला जाता है, फोर्थ शेल में। अब ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम, ये तो एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, एक होती है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन और एक होती है एक्साइटेड लेवल कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड लेवल कॉन्फ़िगरेशन में जो होता है वो इस के शेल में फर्दर जो सब शेल्स होते हैं वो एस होता है, एल शेल में एस और पी होता है, एम शेल में एस पी डी होता है, और एन शेल में एस पी डी और एफ भी होता है, ठीक है। तो जब हम इस एक्साइटेड लेवल की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो एक्साइटेड लेवल की कॉन्फ़िगरेशन में जो आपके पास डी ऑर्बिट है, डी ऑर्बिट को फिल होने से पहले एस ऑर्बिट फिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही होता है पोटेशियम में कि एम में जब डी ऑर्बिट आएगा तो डी ऑर्बिट के फिल होने से पहले एल का जो है क्या कहते हैं ऑर्बिट फिल होगा, एस ऑर्बिट। इसकी वजह से एम में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फोर्थ ऑर्बिट में चले जाते हैं, ठीक है। ये एक्साइटेड लेवल की कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपके बुक में भी शामिल नहीं है, आपको अभी ये नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है कि पोटेशियम की जब हम बात करेंगे और कैल्शियम की बात करेंगे तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम उनके इसी तरीके से करेंगे कि एम में 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और एक यहाँ चला जाएगा, और पोटेशियम में कैल्शियम में भी क्या होगा, एम में 8 जाएंगे और एन में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, ठीक है। ओके, यू कैन सी द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं किसी भी एलिमेंट के, तो वी कंसिडर द एटॉमिक नंबर। हमें क्या कंसिडर करना होता है, एटॉमिक नंबर कंसिडर करना होता है, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उस एलिमेंट में उतने ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम हैज़ एटॉमिक नंबर 11 एंड इट हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। अब इलेवन इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होती है, देख लीजिए। जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एल, और जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एटलीस्ट उसके अंदर जितने भी आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अब सोडियम के पास जो बचे ही कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है दो ऑर्बिट्स में फिलिंग के बाद, 2 + 8, ठीक है, और 10 हो गए और एक रह गया, तो वो कहाँ जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। Now home task, question number 16, define electronic configuration, and question number 17, draw electronic structures of first 20 elements in periodic table with electronic configuration. You can see page number 52 of your book, and proper circles draw करने हैं, compass use कीजिएगा, टेढ़े मेढ़े circles नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है, लाइक k इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 8, फिर m में जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। और इट्स ऑल अबाउट चैप्टर 3, चैप्टर 3 का काम यहाँ पे एंड है, ठीक है। इस ये होम टास्क करने के बाद क्वेश्चन नंबर 17 तक जब आप कर लेंगे तो आपने फिर आप ब्लैंक्स भी और एमसीक्यूज जो बुक में दिए हुए हैं वो कॉपी डाउन करने हैं, उसे सॉल्व कीजिएगा, पूरा चैप्टर थॉरली पढ़िएगा, ठीक है, पूरा चैप्टर थॉरली पढ़िएगा। इफ़ एनी क्वेरी अबाउट द चैप्टर यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ न्यू चैप्टर, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।